जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की जिंदगी में एक नन्ना सा मेहमान दस्तक देने वाला है। अनुष्का की प्रेगनेंसी का आखिरी महीना चल रहा है और प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में भी अनुष्का काफी एक्टिव है। अनुष्का कभी एड शूट करती हुई नजर आती हैं तो कभी अनुष्का फोटो शूट कराती हुई नजर आती हैं। अनुष्का ने अपने फैंस को दीवाना कर दिया है हाल ही में अपने बोल्ड फोटोशूट के जरिए। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में अनुष्का शर्मा ने अपने बेबी को जन्म देने से महज कुछ दिनों पहले ही वॉग मैगजीन के लिए कवर फोटोशूट कराया है। अनुष्का का ये अंदाज बेहद अलग नजर आ रहा है। अनुष्का इन तस्वीरों में बेबी बम्प फ्रॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं अनुष्का का ये फोटोशूट जमकर सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा ने वॉक फोटोशूट के दौरान अपने इंटरव्यू में कई सारी बातें भी शेयर की हैं। अनुष्का की जमकर तारीफ की जा रही है इस फोटोशूट को देखने के बाद, तो वहीं अनुष्का ने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर इस इंटरव्यू में तमाम बातें भी शेयर की हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अनुष्का ने अपने इंटरव्यू में बताया है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। अनुष्का ने कहा है कि उस दौरान मैं फिल्म बुलबुल के प्रमोशन में बिजी थी और जूम कॉल के दौरान मुझे अचानक से समस्या हुई और मैं खुद को अस्वस्थ और कमजोर महसूस करने लगी थी। इतना ही नहीं, अनुष्का ने आगे ये भी कहा है कि इसके बाद मैंने तुरंत अपना वीडियो ऑफ कर दिया था और अपने भाई करणेश शर्मा को मैसेज भी किया था। उस वक्त वह अभी कॉल पर था, यदि मैं सेट या फिर स्टूडियो में होती तो ये हर कोई जान जाता। अनुष्का ने इस तरह से अपनी प्रेगनेंसी को लेकर ये बड़ा खुलासा किया अपने मैगजीन इंटरव्यू में। फिलहाल अनुष्का शर्मा को लेकर तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अनुष्का कभी क्लिनिक के बाहर स्पॉट की जा रही हैं तो कभी अनुष्का शूटिंग के दौरान स्पॉट की जा रही हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अनुष्का की डिलीवरी डेट तय हुई है अगले साल 2021 में जनवरी के महीने में। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बेबी के जन्म का। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।